आज की वीडियो में हम क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक चैप्टर 1 द लास्ट लेसन की हिंदी समरी को कवर करेंगे। इसके ऑथर हैं अल्फांस डाउडेट। अगर इसके बैकग्राउंड में चले थोड़ा बहुत, तो जब फ्रांस और प्रसिया का वार चल रहा था तब फ्रांस वार में हार गया था और प्रसिया जीत गई थी। अब फ्रांस के हार जाने पर तब बर्लिन से ये ऑर्डर आया था कि फ्रांस के जो स्कूल हैं अल्सेस और लॉरेंस, वहाँ पर अब से जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा। ऑथर ने इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया है, अपनी भाषा की इम्पॉर्टेंस क्या होती है। पाठ शुरू होता है, फ्रांस जब स्कूल जा रहा होता है तो वह स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है, उसने अपना होमवर्क भी नहीं करा होता है। मिस्टर हैमल ने फ्रांस को होमवर्क दिया था कि वो पार्टिसिपल पढ़ के आए, लेकिन फ्रांस पार्टिसिपल नहीं पढ़ा होता है, बल्कि फ्रांस यह सोचता है कि वो स्कूल ही क्यों जा रहा है। वो कहता है कितना अच्छा दिन है, इतने अच्छे मौसम है, चिड़िया चचहा रही है और सोल्जर मार्चिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही वह टाउन हॉल के सामने से गुजरता है तो वहाँ देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने काफ़ी भीड़ लगी हुई है। वो सोचता है कि आज हमारी जितनी भी बुरी खबरें आई हैं वो इसी बुलेटिन बोर्ड से आई हैं। वो उस खबर को पूरा पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि वह स्कूल के लिए लेट हो रहा था। और फिर वह भागता भागता जा रहा था, रास्ते में उसे एक आदमी ने रोक कर कहा कि तुम टेंशन मत लो, तुम आराम से टाइम पर स्कूल पर पहुंच जाओगे। तो जैसे ही फ्रांस स्कूल पहुंचता है उसे रियलाइज़ होता है कि वैसे तो मेरे स्कूल में बहुत ज़्यादा शोर होता है, बच्चे तेज तेज से अपना लेसन पढ़ते हैं और चेयर टेबल की सबकी आवाज़ आती रहती है, लेकिन उस दिन का माहौल पूरा संडे वाले दिन के जैसा था और वो उसी शोर शराबे का फ़ायदा उठाकर क्लास में छुपकर चला जाता था, चाहे वो लेट ही क्यों ना हो जाता था। लेकिन उस दिन फ्रांस स्कूल पहुंचा तो उसने विंडो के थ्रू देखा कि सारे के सारे बच्चे शांतिपूर्वक अपनी सीट पर बैठे होते हैं और मिस्टर हैमल अपनी हाथों में एक आयरन रूलर लेकर इधर उधर टहल रहे होते हैं। अब फ्रांस को लगता है कि आज तो मुझे पक्का डांट पड़ेगी क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हूँ और सब लोग मुझे भी नोटिस कर रहे हैं। और किसी तरह फ्रांस क्लास के अंदर जाता है तो मिस्टर हैमल उसे देखकर कहते हैं, अरे फ्रांस अच्छा हुआ कि तुम आ गए, नहीं तो हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। अब फ्रांस जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और जब फ्रांस थोड़ी देर बाद अपने आप को शांत कर लेता है तो क्लास में सभी लोग बड़े सीरियस बैठे होते हैं। जो पीछे की सीट खाली होती थी वहाँ पर आज विलेजर्स बैठे होते हैं। और फिर वो देखता है कि मिस्टर हैमल काफ़ी अच्छे कपड़े पहने होते हैं, एक सुंदर ग्रीन कोट शर्ट, एक ब्लैक सिल्क टोपी पहने होते हैं। मिस्टर हैमल इतने अच्छे कपड़े तभी पहनते हैं जब कोई इंस्पेक्शन का दिन हो या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे हो, लेकिन आज इनमें से कुछ भी नहीं था और उसके दिमाग में ये सब चल ही रहा होता है कि इतने में मिस्टर हैमल ये डिक्लेयर करते हैं, माय डियर स्टूडेंट दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। ऐसा इसलिए क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आए हैं, अब से स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा, आपके जर्मन टीचर कल आ जाएंगे। अब जैसे ही ये बात फ्रांस सुनता है तो वह बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि अभी तो उसे उसकी लैंग्वेज ही नहीं आती है। उसे ऐसा लग रहा था जो ये बुक्स मुझे एक तरह का बोझ लगता था, अब वो मेरे एक पुरानी दोस्त की तरह लगने लगा है और वो इसे गिव अप नहीं करना चाहता था। और अब फ्रांस श्योर हो गया था कि आज सब कुछ अनयूजुअल सा क्यों है, उस बुलेटिन बोर्ड के पास इतनी भीड़ क्यों थी, बैक बेंचर्स पर विलेजर्स क्यों बैठे थे, क्योंकि उन्हें भी गिल्टी फील हो रहा था कि वो ज़्यादा पढ़ ना सके और अपनी भाषा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो मिस्टर हैमल को रिस्पेक्ट देने आए हैं उनकी 40 साल के फेथफुल सर्विस के लिए। और जब ये सब कुछ फ्रांस के दिमाग में चल रहा था तभी मिस्टर हैमल ने उसका नाम लिया और फ्रांस खड़ा हो जाता है और वह सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे नहीं हो पाता है क्योंकि उसने कभी वो पढ़ा ही नहीं होता है। और मिस्टर हैमल कहते हैं, डरो मत फ्रांस, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि तुम्हें पहले से ही कितना बुरा लग रहा होगा, सोचो ये जो जर्मन लोग हैं वे तुम्हें क्या कहेंगे, तुम अपने आप को
फ्रेंचमैन कैसे मान सकते हो जब तुम्हें अपनी भाषा ही नहीं आती। पर मैं इसके लिए तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि यही हमारी प्रॉब्लम है। देखो, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि तुम स्कूल जाओ, बल्कि वो ये चाहते हैं कि तुम कहीं मिल या फॉर्म पर जाकर काम करो ताकि कुछ पैसे आ सकें। और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था तो तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था, या फिर तुम्हें कहता था जाओ मेरे प्लांट्स को थोड़ा वाटर कर आओ। मिला जुला कर यहाँ पर गलती तो सभी की है, लेकिन फिर भी जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, और हमें इस लैंग्वेज को कभी भी अपने से दूर नहीं होने देना चाहिए। अब इसके बाद मिस्टर हैमल ग्रामर लेसन पढ़ाने लगते हैं। अब फ्रांस को ऐसा लगता है कि मिस्टर हैमल ने कभी इससे अच्छा पढ़ाया ही नहीं है। ऐसा लगता है मिस्टर हैमल को इस भाषा से जुड़ा हुआ जितना कुछ भी आता है वो सब कुछ बताना चाहते हैं। अब ग्रामर पार्ट जैसे ही ख़त्म होता है तो राइटिंग सेक्शन शुरू होता है, और उस दिन मिस्टर हैमल ने बच्चों के लिए ढेर सारा नोटबुक लाए थे लाल रंग का, जिस पर लिखा था एलसेस फ्रांस एलसेस फ्रांस। और जैसे ही वो नोटबुक को कक्षा में बांटते हैं तो बच्चे को ऐसा लगता है जैसे ये कोई एक फ्लैग है, और उन बच्चों को यह बुक बहुत अच्छी लगती है। और अब सभी बच्चे उस नोटबुक में लिखना शुरू कर देते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों या फिर बड़े बच्चे। और उस समय कक्षा में इतनी शांति होती है कि सिर्फ और सिर्फ कलम के चलने की आवाज़ आती है। और उसी बीच फ्रांस नोटिस करता है ऊपर छत पर कबूतर जैसे गाना गा रहे हों, और तब वह सोचता है क्या वो जर्मन लोग इनसे भी जर्मन भाषा में गाना गवाएंगे। और इसके बाद फ्रांस मिस्टर हैमल को नोटिस करता है कि उन्हें भी कितना बुरा लग रहा होगा ये जगह स्कूल जो कुछ भी उन्होंने बना रखा था ये उनके लिए कितना इम्पोर्टेंस था। बाहर उन्होंने जो गार्डन बना रखा था वो थोड़ी बड़ी हो गई है, और अब इनकी सिस्टर सारा सामान पैक कर रही होती हैं, तो ऊपर की फ्लोर से काफ़ी सारी आवाज़ आती है। और मिस्टर हैमल काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि वो अभी यहाँ से जा रहे होते हैं। और अब सभी लोग ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगते हैं, और वो लोग इतने तेज़ी से और थोड़ा अजीब तरीके से पढ़ते हैं कि सभी लोगों को हंसी आने लगती है। अब वो लोग एक तरफ तो हंसना चाहते हैं तो दूसरी तरफ रोना भी चाहते हैं। और अब चर्च क्लॉक में 12 बज जाते हैं और क्लास ख़त्म होने का टाइम आ जाता है, लेकिन मिस्टर हैमल कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उनसे कुछ बोला नहीं जाता। वो चुपचाप ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और वहाँ लिखते हैं लॉन्ग लिव फ्रांस, वो बस इतना ही लिख पाते हैं। और फिर वापस क्लास की ओर मुड़ते हैं और वो अपने हाथों से इशारा करते हैं कि क्लास अब ख़त्म हो गई है, आप लोग जा सकते हैं। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे इसमें इस पार्ट से क्वेश्चन आंसर की वीडियो आएगी, तब तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।